यूट्यूब पर आपने बहुत सारी ऐसी वीडियोस देखी होंगी जिनमें आपको ये दावा किया जाता है, जिनमें आपको बताया जाता है कि आप प्लेसेंटा की पोजीशन से पता कर सकती हैं कि आपके गर्भ में लड़का है या लड़की है। अब आप सोच रहे होंगे कि हमने ऑलरेडी वीडियो देखी है और हमें पता है कि प्लेसेंटा की पोजीशन कौन सी होती है, एंटीरियर होती है तब लड़का होता है या पोस्टीरियर होती है तब लड़का होता है, तो हम आपकी वीडियो क्यों देखें। सो फ्रेंड्स, मैं आपको यही बताने वाली हूँ कि आपको मेरी वीडियो क्यों देखनी चाहिए, क्योंकि मैं आपको दूंगी सही जानकारी। अभी तक जितनी भी वीडियोज़ आपने देखी होंगी आपको सभी ने गुमराह किया है, व्यूज छापे हैं, व्यूज से पैसा मिला है, इसलिए उन लोगों ने आपको गुमराह किया है। लेकिन मैं इस वीडियो में ऐसा कुछ भी नहीं बताऊंगी जो कि आपके लिए गलत हो। सो सबसे पहले मैं आप लोगों को छोटी सी बात कहना चाहूँगी। देखिए, आप प्लीज़ इस बात पर फोकस ज़्यादा मत करना कि लड़का होगा या लड़की होगी। आपको बस फोकस इस बात पर करना है कि जो भी हो, लड़का हो या लड़की हो, बस स्वस्थ हो। क्योंकि भले ही लड़का हो जाए और वो स्वस्थ नहीं हो और आपकी आंखों के सामने खेले, हमेशा बीमार रहे, तो आपको कैसा लगेगा? ऑब्वियसली अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन सामने, आंखों के सामने लड़की होगी और अच्छे से खेलेगी और स्वस्थ रहेगी, कभी बीमार नहीं पड़ेगी, तो आपको कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा। और लड़का हो या लड़की हो, आपकी गोद में आने के बाद ना ऑटोमेटिक आपको अपने से भी ज़्यादा प्यार हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो आपका खून है। तो आपको इस बात पर ज़्यादा फोकस नहीं करना है कि लड़का होगा या लड़की होगी। हाँ, बस अगर आपके मन में एक्साइटमेंट रहता है, ज़्यादा उत्सुकता रहती है, तब आप ज़रूर अपनी उत्सुकता को कम कर सकते हैं। लेकिन अगर आप सोच रही हैं कि इनसे 100% पता चल जाता होगा, सो गाइस, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं अपनी बात करूँ कि मेरे प्लेसेंटा कैसा, कौन सा था। देखिए, जिन लोगों को ये जानना है ना कि प्लेसेंटा, जिन्होंने अभी तक यूट्यूब पर वीडियो नहीं देखी है प्लेसेंटा के थ्रू, प्लेसेंटा से जानने के लिए पहली बार इस वीडियो पर क्लिक किया, तो देखिए उन लोगों को मैं बता दूं, पहली बात तो प्लेसेंटा से आप पता नहीं कर सकते। दूसरी बात, मैंने यह भी सुना है किसी किसी वीडियो में वो लोग बताते हैं कि बड़े बुजुर्ग महिलाओं का कहना होता है। तो गाइस देखिए, बड़े बुजुर्ग महिलाओं को, जो पुराने ज़माने की जो लेडीज से होती है ना, उनको प्लेसेंटा का नहीं पता कि प्लेसेंटा की पोजिशन भी होती है या नहीं होती। देखिए, इस बारे में उनको इतनी पुख्ता जानकारी नहीं है, या कहने का मतलब है कि वो अंदर, पेट के अंदर नहीं देख पाती है ना। अल्ट्रासाउंड के थ्रू ही आपको पता चलेगा कि प्लेसेंटा की पोजीशन कैसी है। तो जो बुजुर्ग महिलाएं होती है, उन्हें पेट देखकर थोड़ी अंदाजा लगा लेंगी कि आपका प्लेसेंटा कौन सी साइड है, आगे है या पीछे, एंटीरियर है या पोस्टीरियर है, बिल्कुल भी नहीं पता कर सकती। तो वो लोग आपको बता ही नहीं सकती, वो सिर्फ आपको झूठ बोलते हैं जितने भी वीडियोज़ में आपको बताते हैं कि बुजुर्ग महिलाओं का कहना होता है प्लेसेंटा की पोजीशन ये होने से लड़का होता है। वो सिर्फ आपको झूठ बोलते हैं, क्योंकि बुजुर्ग महिलाओं को नहीं पता कि आपके प्लेसेंटा की पोजीशन क्या है। वो सिर्फ आपको अल्ट्रासाउंड में पता चलेगा, वो भी आपको डॉक्टर्स बताएंगे। अब ये जानते हैं कि प्लेसेंटा आखिर क्या होता है, क्योंकि कई सारे लोगों के मन में ये चल रहा होगा कि प्लेसेंटा प्लेसेंटा प्लेसेंटा, आखिर प्लेसेंटा होता क्या है। जिन्हें पता है उनको मैं नहीं बता रही हूँ, जिन्हें नहीं पता उनको मैं बता रही हूँ। तो देखिए, प्लेसेंटा का काम होता है बच्चे तक जो भी आप खाती पीती हैं वो बच्चे तक पहुंचाना, न्यूट्रिशन पहुंचाना, पोषक तत्व पहुंचाना। तो जो भी आप खाती पीती हैं बच्चे को प्लेसेंटा के थ्रू ही पहुंचता है, जिससे बच्चा अंदर जीवित रह पाता है। बस इतना सा कॉन्सेप्ट है प्लेसेंटा का। अब प्लेसेंटा कभी कभी क्या होता है, किन्हीं महिलाओं के आगे की साइड होता है, पेट के आगे की साइड होता है, तो उसे कहते हैं एंटीरियर प्लेसेंटा। और कभी कभी प्लेसेंटा पीछे की साइड होता है, यानी कि जो आपकी रीढ़ की हड्डी होती है वहाँ पर बच्चा चिपका होता है प्लेसेंटा के थ्रू, तो उसे कहते हैं जो है पोस्टीरियर प्लेसेंटा। तो बस इसका यही है। अब इससे आप कैसे पता कर सकते हैं? क्यों? क्यों लड़की के आगे नहीं हो सकती एंटीरियर पोस्टीरियर में, एंटीरियर प्लेसेंटा में क्या लड़की नहीं हो सकती? क्या पोस्टीरियर प्लेसेंटा में लड़की नहीं हो सकती? ऐसा कुछ भी नहीं होता है। मैं अपनी बात करूं तो मेरा प्लेसेंटा पोस्टीरियर था, तो यही देखकर, मतलब देखकर नहीं, इसी जब मेरा प्लेसेंटा पोस्टीरियर था और मैं प्रेग्नेंट थी और मेरे सामने एक वीडियो आया कि प्लेसेंटा की पोजीशन से आप कैसे पता कर सकती हैं कि आपके गर्भ में लड़का है, तो मैंने उस वीडियो पर क्लिक किया और मुझे पता चला कि प्लेसेंटा पोस्टीरियर होने पर लड़का होता है। लेकिन फ्रेंड्स देखिए, मैंने ये भी जाना, बहुत सारी महिलाएँ ऐसी होती हैं जिनका ना प्लेसेंटा चेंज होता रहता है, क्योंकि बच्चे जैसे जैसे पोजीशन चेंज करते घूमते रहते हैं पेट में, उनका प्लेसेंटा की पोजीशन भी चेंज हो जाती है। अब मैं अपनी बात करूँ, मेरे जो एक पहचान में एक लेडी है जिनकी मेरे ही साथ में 2 महीने के अंतराल में मेरी और उनकी डिलीवरी हुई थी, 2 महीने का अंतर है हम दोनों के बेबी में, तो उनको भी बेटा हुआ और मुझे भी बेटा हुआ। और जो मेरा प्लेसेंटा था वो पोस्टीरियर था, लेकिन उनका एंटीरियर था, तो उनका एंटीरियर होने पर भी लड़का हुआ उनको, और मेरा पोस्टीरियर होने पर भी लड़का हुआ। तो इसमें बिल्कुल भी सच्चाई नहीं होती है। प्लेसेंटा का काम जो होता है उसे करने दीजिए, आपके बच्चे तक जो है पोषक तत्व पहुंचाना,
लेकिन आप इससे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं लगा सकते हो। जो भी बताते हैं ना आपको, सिर्फ व्यूज़ छापते हैं, पैसा छापते हैं, उनको इस चीज़ का पैसा मिलता है और आप इसी टाइप की वीडियोस को भर भर के व्यूज़ देते हैं, बार बार देखते हैं, जिससे उनको मोटिवेशन मिलता है और काम करने का, इसी टाइप की वीडियोस बनाने का। अगर आप इन वीडियो से ज़्यादा फोकस करेंगे, बच्चे को हेल्दी कैसे रखना है, अपने आप को प्रेगनेंसी में कैसे हेल्दी रखना है, इन चीज़ों पर, तो वो लोग इस चीज़ पर फोकस करेंगे। इसमें उनकी भी कोई गलती नहीं, जो भी वीडियोज़ बनाता है यूट्यूब पर, सारे लोग ना व्यूज़ की वजह से ही आते हैं। तो जिनको उन जिन टॉपिक पर उनको व्यूज़ मिलेगा, वो उसी टॉपिक पर को पकड़ के वीडियोस बनाएंगे। तो मैं आप लोगों से निवेदन करती हूँ कि आप लोग तो समझदार हैं ना, आप लोग क्यों फालतू में उनकी उनकी बातों में आ जाते हो। और चलिए ठीक है, उनकी बातों में आने का मतलब ये है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें लड़की नहीं चाहिए होती है, सिर्फ लड़का चाहिए होता है, और उनके अंदर जो सिम्टम्स होते हैं वो लड़की वाले होते हैं। तो वो लोग क्या सोचते हैं कि अब हमें तो लड़की होने वाली है और कुछ भी करना पड़ेगा, बच्चे को गिरा देते हैं, अबॉर्शन करवा लेते हैं। ये बहुत गलत बात है, क्योंकि मैंने कई केस ऐसे देखे हैं कि उनके अंदर लड़की वाले सिम्टम्स थे, है ना, लड़की वाले सिम्टम थे, और उन्होंने 9 महीने पूरे ये सोच में निकाल दिए कि मुझे लड़की होगी, और उनको जब 9 महीने बाद जब डिलीवरी हुई तो उन्हें लड़का हुआ। तो ऐसा भी होता है, सिम्टम से, लक्षण से आप पता नहीं लगा सकते। कोई भी लक्षण आपको ये नहीं बता सकता कि आपको लड़का होगा या लड़की होगी। ये जो लक्षण होते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ प्रेगनेंसी के लक्षण होते हैं। हर प्रेग्नेंट महिला में ये लक्षण दिखाई देते हैं। अब किसी की, सबकी बॉडी अलग अलग होती है, तो किसी में कोई सिम्टम दिखाई देगा तो किसी में नहीं, तो किसी में कुछ और दिखाई देगा, तो ऐसा होता है। अब ऐसा नहीं है कि ये लक्षण सिर्फ लड़के वाले होते हैं, ये लक्षण सिर्फ लड़की वाले होते हैं, कोई लक्षण नहीं बता सकता, ना ही आपको कोई डॉक्टर्स बताते हैं कि लड़का होगा या लड़की। आपको डॉक्टर्स भी पता है कब बताएंगे, जब वो अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट में उसका जेनिटल पार्ट देखता है ना, तब उनको पता चलता है। ऐसे नहीं कि आपके बच्चे की हार्ट बीट देखी, मूवमेंट देखी, और मतलब जो देखते हैं ना अंग वगैरह देखते हैं कि कहीं से कुछ कटा हुआ तो नहीं है, सब कुछ सही सलामत है, तो वो सिर्फ जो देखते हैं वही आता है। अगर वो जेनिटल पार्ट देखेंगे तो उनको पता चलेगा कि ये लड़का है या लड़की, और बाय चांस उन्होंने देख भी लिया तो वो थोड़ी आपको बताने बैठे हैं, वो आपको कभी नहीं बताएंगे, क्योंकि ये जो है भारत में इलीगल है, आपको पता ही होगा। अगर ये आप जानने की कोशिश करते हैं तो आपको जुर्माना हो सकता है, आपको जेल भी हो सकती है। तो आप ये गलती बिल्कुल भी नहीं करोगे, मुझे पता है आप इतने समझदार हो कि आपको पता होगा। अब एक और बात सोचिए कि अगर आप प्लेसेंटा की पोजीशन से ये पता कर सकते कि लड़का है या लड़की है, तो जैसा कि मैंने बताया कि ये इलीगल है, भारत में बैन है, इस पर बैन है, आप पता नहीं कर सकते, क्योंकि डॉक्टर क्लियरली लिखते अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट में ये लिखते कि प्लेसेंटा इज इक्वल टू एंटीरियर या फिर पोस्टीरियर, बिल्कुल नहीं लिखते। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि जनता तो बहुत समझदार है, जनता तो यूट्यूब देखती है, तो यूट्यूब पर तो उनको पता चल चुका है कि पोस्टीरियर होने पर लड़का होता है। तो ये सारी चीज़ें ना डॉक्टर आपको नहीं बताते, ना ही वो लिखते, वो गुप्त रखते उस बात को। उनको पता है कि प्लेसेंटा पोस्टीरियर हो या एंटीरियर हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता बच्चे के लिंग पर, इसलिए वो बिल्कुल क्लियरली लिख देते हैं। तो आप थोड़ी सी बुद्धि लगाइए और थोड़ा सा समझिए, प्लेसेंटा की पोजीशन कोई भी हो, कहाँ ऐसा जाता है कि पोस्टीरियर होने पर लड़का होता है, एंटीरियर होने पर लड़की होती है, लेकिन ये सिर्फ कही हुई बातें हैं, और बुजुर्ग महिलाओं का इस बारे में कुछ भी कहना नहीं होता है। सब अपने अपने मतलब के लिए वीडियोज़ बनाते हैं, लेकिन मैंने आजकल छोड़ दिया है, मैं सिर्फ वही आप लोगों को बताऊंगी जो कि आपके लिए सही है, और बिल्कुल सही जानकारी दूंगी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाकी आगे आपकी मर्जी।